अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ ज़ाफ़रान और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डील होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो बेसिकली इस वीडियो में हम सेकेंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को एज स्पेसिफिक केस लेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास कोई भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हो, तो उसमें हमने एक सॉल्यूशन को सपोज कर लेना है, एक्सपोनेंशियल टाइप सॉल्यूशन। लेट y इज इक्वल टू e टू रेज पावर एम एक्स इज सॉल्यूशन फॉर गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमने e टू रेज पावर एम एक्स ही क्यों सॉल्यूशन चूज किया है, वाई वी चूज एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसको आंसर में करता हूं। बिकॉज इसको आंसर करने के लिए हम एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ए वाई प्राइम प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो। इस बी वाई को मैं राइट साइड पे लेके आता हूं तो माइनस हो जाएगा। अब ए यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तरह के डिवाइड होगा, तो माइनस बी ओवर ए, उसको मैंने के बोल दिया है। सो बेसिकली वाई प्राइम इज इक्वल टू के वाई। आपके पास वो कौन सा फंक्शन है जिसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो कांस्टेंट इनटू दैट फंक्शन आता है, बेसिकली वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। इसका डेरिवेटिव लें तो m इनटू e टू रेज पावर m x आएगा। मतलब इसका डेरिवेटिव लें एक दफा फंक्शन तो वही आएगा ना, साथ इसमें m आ जाएगा स्टार्ट में जो कि एक कांस्टेंट नंबर है। सो बेसिकली यहां पे इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन किया है, वेयर k इज कांस्टेंट द ओनली नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्री फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब आपके पास एक वही एक नॉन ट्रिवियल एलिमेंट्री फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है जिसका हम डेरिवेटिव लें तो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ आता है। सो दैट्स व्हाई हमने y इज इक्वल टू e टू रेज पावर एम एक्स को एज अ एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन चूज किया है। और इस एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन को यूज करते हुए हम किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो नाउ सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक्सिलरी इक्वेशन की। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास ये एक सेकेंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसके कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं ए बी सी, एक कांस्टेंट कोफिशिएंट है। सो हम इसमें लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू e टू रेज पावर एम एक्स। आपके पास ये एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है। सबसे पहले इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव लेता हूं y प्राइम, सेकेंड डेरिवेटिव लेता हूं तो आपके पास ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू है इन दोनों को आपने यहां पर पुट करना है। जब मैं यहां पर पुट करता हूं तो आपके पास सेकेंड आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, देखिए यहां पे मैंने पुट किया है वाई डबल प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की है, वाई प्राइम की जगह उसकी वैल्यू पुट की है। अब इन सारों में ई टू रेज पावर एम एक्स कॉमन है, इसको मैंने कॉमन लिया है, तो बाकी आपके पास क्या बचा, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी। अब आपके पास ये दो फैक्टर है, दिस वन एंड दिस वन। सो आपके पास ई टू रेज पावर एम एक्स ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसको हमने सपोज किया है, ठीक है ना, ये एक एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन हमने सपोज किया है फॉर एनी गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली आपके पास ये वाला फैक्टर जीरो होगा, इसको हम जीरो कर देते हैं। बेसिकली ये जो इक्वेशन आपके पास, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं एक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी इक्वेशन फॉर द गिवन सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर मैं लिख देता हूं सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो बेसिकली हमारे पास ये एक्सिलरी इक्वेशन है। सो अब हम इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स की बात कर लेते हैं। सो एज एक्सिलरी इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट हैज टू रूट्स। सो फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है कि आपके पास किसी भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है उस एक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उन रूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो कैसी होगी। सो केस नंबर वन हम डिस्कस करते हैं। केस नंबर वन क्या है, इफ एम वन एंड एम टू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर आपके पास M1 और M2 जो है, इस केस की बात कर रहे हैं, सेकेंड आर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, कि अगर इसमें M1 और M2 आपके पास जो रूट्स हैं वो रियल हो और डिस्टिंक्ट हो, मतलब डिफरेंट हो, देन फॉर्म ऑफ द जनरल सॉल्यूशन विल बी, फिर आपके पास इस तरह का जनरल सॉल्यूशन होगा, y इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू रेज पावर एम टू एक्स। एम वन और एम टू आपने यहां पे पुट कर रहे हैं तो आपके पास ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर द गिवन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन।
सो सिमिलरली हमारे पास केस नंबर टू को भी हम देख लेते हैं। केस नंबर टू क्या कहता है कि अगर आपके पास एम वन और एम टू ये जो रूट्स हैं ये रियल हो और इक्वल हो, मतलब रियल तो हो लेकिन दोनों इक्वल हो, उस केस में हमारे पास जो फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन होगी वो ये होगी, y इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर एम वन एक्स प्लस सी टू एक्स ई टू रेज पावर एम टू एक्स। क्योंकि एम वन और एम टू हमारे पास दोनों इक्वल हैं, सो बेसिकली हमने पहले भी अपनी एक वीडियो में डिस्कस किया है, अगर आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन गिवन हो तो हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फार्मूला से हम दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो इसको हम देख लें जरा, फार्मूला क्या है। एक्चुअली वाई वन इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम वन एक्स, ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, एंड वाई टू विल बी फाइंड बाय रिडक्शन ऑफ ऑर्डर फार्मूला। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का फार्मूला मैंने अपनी एक पहली वीडियो में डिस्कस किया है, उसका फार्मूला क्या है, वाई टू इज इक्वल टू वाई वन इंटेग्रल ऑफ e टू रेज पावर माइनस इंटेग्रल ऑफ पी एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय यहां पे हमारे पास y1 का स्क्वायर dx। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास y2 की जो वैल्यू आएगी बेसिकली वो यही आएगी, साथ x इंटू ई टू रेज पावर एम टू एक्स। सो इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम केस नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं। सो केस नंबर थ्री क्या कहता है कि अगर आपके पास M1 और M2 जो है जो कि सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन में से हमने फाइंड किए हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स, अगर ये M1 और M2 जो है ये कॉम्प्लेक्स रूट्स हो, मतलब इसमें आयोटा वाली टर्म आ जाए, M1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा भी और M2 आपके पास अल्फा माइनस आयोटा भी, उस केस में हमारे पास जो फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, उसको हम देख लेते हैं। y इज इक्वल टू सी वन ई टू रेज पावर अल्फा प्लस आयोटा बी एक्स आयोटा बीटा है, इसी तरह प्लस सी टू एल ई टू रेज पावर अल्फा, यहां पे एक्स नहीं है यहां पे अल्फा है, इसको अल्फा कर दें आप, अल्फा माइनस आयोटा बी बीटा इंटू एक्स। सो बेसिकली ये जो केस नंबर थ्री है ये केस नंबर वन से मिलता जुलता है। केस नंबर वन में भी हमने यहां पे एम वन की वैल्यू पुट की थी जो कि रियल थी और अनइक्वल थी, और यहां पे एम टू की वैल्यू पुट की थी, यहां पे हमने M1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो कि आपके पास आयोटा वाली टर्म है, और यहां पे हमारे पास M2 की वैल्यू पुट कर दी है जो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, आयोटा वाली टर्म इन्वॉल्व है। या इसको आप आयलर्स फार्मूला से एक्सपेंड करते हैं, आफ्टर अप्लाइंग आयलर्स फार्मूला, आयलर्स फार्मूला क्या कहता है, ई टू रेज पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो जनरल फॉर्म आती है दिस वन आती है, इसको आप बेशक याद रख लें, वाई इज इक्वल टू ई टू रेज पावर अल्फा एक्स इंटू सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। सो आपने बेसिकली एम वन और एम टू से अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, उसको आप यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, उस केस में जब आपके पास रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे कंप्लेक्स होंगे। एक्चुअली वी प्रेफर रियल फंक्शन टू डील इन स्टेड ऑफ कंप्लेक्स, क्योंकि यहां पर आयोटा वाली टर्म इन्वॉल्व थी तो हम क्योंकि रियल फंक्शन को ज्यादातर डील करते हैं, इस वजह से हमने इसको यहां पर आयलर्स फार्मूला की मदद से इसको हमने रियल फंक्शन में कन्वर्ट कर लिए। सो यहां तक आई होप सो आपको समझ आ गई है, अभी हम इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर वन स्टार्ट करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर वन है, टू वाई डबल प्राइम माइनस फाइव वाई प्राइम माइनस थ्री वाई गोज टू जीरो। सो इसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन सपोज करते हैं, y इज इक्वल टू ई टू रेज पावर एम एक्स। ये एक्सपोनेंशियल टाइप सॉल्यूशन हम क्यों सपोज करते हैं, मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में बता दिया आपको। सो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया, आप दोनों को हमने यहां पे पुट किया, इधर y डबल प्राइम की जगह इसकी वैल्यू पुट की, y प्राइम की जगह इसकी वैल्यू पुट की, और y की जगह हमने e टू रेज पावर mx पुट किया। सो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब इन इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हम देख सकते हैं कि e टू रेज पावर mx कॉमन है, उसको मैंने कॉमन लिया। सो आपके पास दो फैक्टर बन गए हैं, और e टू रेज पावर mx जो है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसे हमने नॉन जीरो सॉल्यूशन सपोज किया तो ये जीरो नहीं हो सकता, और वैसे भी हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो जीरो नहीं होता किसी भी वैल्यू के लिए। सो आपके पास जो ये वाला फैक्टर है दिस विल बी जीरो, ये आपके पास इसको मैंने इक्वेशन नंबर वन बोल दिया। ये जो बेसिकली टू एम स्क्वायर माइनस फाइव है माइनस थ्री गोज टू जीरो है, ये बेसिकली गिवन सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सिलरी इक्वेशन है। सो उसी को मैंने यहां पे लिखा है, वन इज एक्सिलरी इक्वेशन फॉर द गिवन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स फाइंड रूट ऑफ वन। अब आपके पास इस इक्वेशन नंबर वन के जो रूट्स होंगे बेसिकली उन रूट्स की जो नेचर होगी वो हमें बताएगी कि इस गिवन सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस तरह का होगा। सो इसको हम देख लेते हैं।
सो बेसिकली 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 गोज टू जीरो, बेसिकली ये एक्सिलरी इक्वेशन है और इसको अभी हमने फैक्टराइज करना है, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. सो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2m स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3 गोज टू जीरो, इसको आप सिंपल फैक्टराइज कर दें तो आपके पास जो दो फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी m माइनस 3 और 2m प्लस 1. इन दोनों को आप सेपरेटली जीरो पुट करें तो m आपके पास 3 आ जाएगा और m आपके पास माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा. इसको बेशक आप m1 कह दें, इसको आप m2 कह दें. अब क्योंकि हमारे पास जो m1 और m2 है इनके जो नेचर है रूट्स की वो क्या है, क्योंकि रियल और अनइक्वल है, तो हमारे पास केस नंबर 1 हम इंप्लीमेंट करेंगे एज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट अनइक्वल. सो सॉल्यूशन विल बी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x. सो यहां पे m1 की वैल्यू पुट करें, m2 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये जो है ये जनरल सॉल्यूशन आ गया फॉर द गिवन होमोजेनियस ना होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो आई होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आई है. अभी हम एग्जांपल नंबर 2 की बात कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज y डबल प्राइम माइनस 10 y प्राइम प्लस 25 y गोज टू जीरो. इसमें भी हमने एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन सपोज करना है, y इज इक्वल टू e टू रेज पावर mx. इसका हम फर्स्ट प्राइम लेते हैं, इसका सेकंड प्राइम लेते हैं, इन तीनों वैल्यूज को आप गिवन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करें. सो पुट करने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाती है, इसको आप देख लें. अब हम इन द नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि सारी टर्म में अगर आप गौर करें तो e टू रेज पावर mx कॉमन है. इसको मैंने कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या बचा, जब मैंने कॉमन लिया तो आपके पास बाकी आपके पास ये m स्क्वायर माइनस 10 m प्लस 25 बच गया. अब e टू रेज पावर mx जो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसको हमने नॉन जीरो सपोज किया है, तो आपके पास ये जो रेस्ट ऑफ टर्म है इसको हम जीरो ले लेते हैं फिर, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक तो जीरो होगा ना, तभी आपके पास ये इक्वालिटी जीरो के बराबर होगी. सो बेसिकली ये जो इक्वेशन है जिसको मैंने सर्कल किया है, बेसिकली ये एक्सिलरी इक्वेशन है फॉर द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो इस एक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स पे डिपेंड करता है, रूट्स की नेचर पे डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा. सो इसके हम क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. इसके फैक्टर बना लें आप या क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लें, इट्स अप टू यू. सो मैंने फैक्टराइजेशन किया तो m माइनस 5 स्क्वायर आ गया गोज टू जीरो. m1 हमारे पास 5 और m2 हमारे पास 5, क्योंकि रूट्स हमारे पास जो है वो रियल और इक्वल है, तो जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो उस केस में हमारे पास जो फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन होगी वो क्या होगी, उसको भी हम देख लेते हैं. फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं. सो हमारे पास जो फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन होगी वो ये होगी, y इज इक्वल टू c1 e टू रेज पावर m1x प्लस c2 x e टू रेज पावर m2x. यहां पे m1 और m2 की वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास ये जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर गिवन सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है. और अभी हम केस नंबर 3 से रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसको देख लें आप. एग्जांपल नंबर 3 है y डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम प्लस 7y गोज टू जीरो का, क्योंकि आपके पास ये एक सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको हम देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम सपोज करते हैं y इज इक्वल टू e टू रेज पावर mx. आपके पास ये एक हमने एक्सपोनेंशियल टाइप जनरल सॉल्यूशन ले लिया है और इसमें हम नॉन जीरो है, ये सॉल्यूशन आपके पास नॉन जीरो है. सो जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, तो आप इसको यहां पे पुट करें, y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें. सो आपके पास जो करस्पॉन्डिंग एक्सिलरी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 7 गोज टू जीरो. आप इस फैक्टर बनाना शायद पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हैं. a आपके पास 1 है, ये जो m स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ये a होता है, b आपके पास 4 है, c आपके पास 7 है. सो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac स्केयर रूट डिवाइडेड बाय 2. यहां पे मैंने सारी वैल्यूज पुट की हैं. पुट करने के बाद आपके पास आई होप सो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड है, ये आपके लिए नई नहीं है, इनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो 16 माइनस 28 दिस इज 12, माइनस का 12, और आपके पास जो माइनस स्केयर रूट होता है वो अलोटा होता है, उसको मैंने अलादा कर लिया. तो आपके पास यहां पे ये जो 12 है इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूं तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 आता है, 2 आपके पास बाहर आ गया, यहां से आप कॉमन लें तो ये 2 2 से कैंसिल, तो आपके पास ये बच गया m. सो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जो m की दो वैल्यूज हैं, आपके पास जो पहली वैल्यू है वो क्या होगी, देखें जरा, m1 माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट डिवाइडेड आयोटा, और m2 हमारे पास माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा. इसको हम देख लेते हैं, देखिए आपके पास m1 की ये वैल्यू आ गई, m2 हमारे पास ये आ गया. सो फॉर्म ऑफ जनरल सॉल्यूशन विल बी, हमारे पास केस नंबर 3 क्या था कि जब भी आपके पास रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे, उस केस में हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होगी वो ये होगी. अल्फा हमारे पास कितना है,
माइनस टू है और बीटा हमारे पास कितने हैं जो आयोटा के साथ टर्म लिखी है, दैट इज थ्री अंडर रूट स्क्वायर रूट थ्री। सो एल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, ई टू रेज पावर एल्फा एक्स, यहाँ पे एल्फा की वैल्यू पुट की माइनस टू, यहाँ पे बीटा पुट किया, यहाँ भी बीटा पुट किया, तो आपके पास ये जो आया है ये आपके पास जनरल सोल्यूशन है फॉर द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है, और मेरी जो अगली वीडियो होगी उसमें हम हायर ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस कर लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।